हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपकी जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ वो अगस्त के महीने के जो बाकी दिन बचे हुए हैं उनकी रीडिंग है। तो आज मैंने इसलिए ये सोचा कि जो दिन बचे हुए हैं, दिन तो एक एक कीमती होता है, तो अभी तो बहुत सारे दिन हैं, आप उसको प्रोडक्टिव कैसे कर सकते हो, आप उसमें क्या क्या ऐसा कर सकते हो जो आपकी पर्सनल और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ज़रूरी है, और क्या रिसीव कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं और डेली बेसिस पर हम उनको रिसीव भी करते हैं। तो क्या रिसीव करोगे अगस्त के जो बाकी बचे हुए दिन हैं और कैसे उनको आप एडजस्ट करोगे। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आने वाले जो दिन है, अगस्त का जो बाकी बचा हुआ समय है, वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप लोगों को मैं एडवाइस दे सकूँ, गाइडेंस दे सकूँ, और आप अपने दिन वैसे ही फिक्स कर सकें जैसी एनर्जीज होती हैं, ताकि आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिले, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। तो इसीलिए मैं ये वीडियोज़ लेकर आती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके साथ और शेयर कर सकूं और आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकें, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो सकें। तो इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हम वीडियो को शुरू कर पाएं। यहाँ पर आपको दिख रही हैं दो एंजल नंबर्स, 222 है, 555 है। तो आपको अपने अकॉर्डिंगली इसको चूज़ करना है जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको 222 बार बार दिखाई देता है तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको 555 बार बार दिखाई देता है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये दोनों नंबर दिखाई नहीं देते कभी भी, तो यहाँ पर जो आपको लगता है कि इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग नंबर है, आपको अच्छा लग रहा है, कोई मैसेज हो सकता है, तो कई बार ऐसा होता है कि नंबर देखते ही हमें लगता है कि ये नंबर तो मेरे लिए ही निकला है। तो आप उस तरीके से भी इंट्यूटिवली नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि पर्सनल रीडिंग करो, पर्सनल रीडिंग करो। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि वेबसाइट के ऊपर जाकर आप पर्सनल रीडिंग सेशंस बुक कर सकते हैं। आपको ईमेल के थ्रू ये आंसर्स मिल जाएंगे जो भी आप पूछना चाहें। वहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि किस तरह से आप बुकिंग कर सकते हैं, किस तरह से एडवाइस आपको मिल सकती है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मेल के ज़रिए ही मैं रीडिंग दे सकती हूँ, क्योंकि कॉल पर बात करना अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप अपनी पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं तो ईमेल के ज़रिए आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आपका कोई भी प्रश्न है, आप वहाँ पर जाकर उसे बुक कर सकते हैं और ईमेल के ज़रिए आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ वहाँ पर न्यूमरोलॉजी नेम ऑल्ट्रेशन के लिए भी आपको एडवाइस मिल सकता है। अगर आप वेबसाइट पर जाकर बुक करते हैं, तो अगर आप अपने नेम ऑल्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, पर्सनल नेम और इसके साथ साथ प्रोफेशनल नेम ऑल्ट्रेशन भी करवाना चाहते हैं, तो वहां पर बुक कर सकते हैं। वहां पर आपको मेल के थ्रू ही उसका भी आंसर मिलेगा। पूरी डिटेल जो है आपके न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए आपको मिल जाएगी, और आप पर्सनल या प्रोफेशनल नेम चेंज कर सकते हैं। नाम हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जानते भी नहीं कि नाम पीछे से वाइब्रेशनल प्रॉपर्टीज़ के साथ किस तरह से हमारी ज़िंदगी को अलाइन करता है, किस तरह से हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। हम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सामने से देख सकते, पर नाम में अद्भुत शक्ति होती है, नाम में बहुत पावर होती है। तो इसलिए अगर आपके नाम के स्पेलिंग गलत है तो आप ज़िंदगी में स्ट्रगल करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपने नाम के स्पेलिंग ऑल्टर करवा कर आप अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स को कम कर सकें, तो आप वेबसाइट पर जाकर अपना सेशन बुक कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ये है आज की डिटेल जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी वेबसाइट से रिगार्डिंग। तो अब हम बात करेंगे हमारी आज की रीडिंग के लिए। अगस्त के बचे हुए दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। अगर आपने 222 चूज किया है, ये एंजल नंबर अगर आपने चूज किया है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये एंजल नंबर जो है ये आपके लिए क्या कह रहा है। अगर आपने 222 चूज किया है तो आपको कॉपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप भी कॉपरेशन के साथ चलें, दूसरों को कॉपरेट करें। आपको ऐसे काम करने चाहिए जिसमें आप किसी की मदद कर सकें या आप किसी की मदद ले सकें, तो दोनों ही काम आप कर सकते हो। तो आपको डेफिनेटली ये ज़रूर करना है जो बचे हुए दिन हैं। दूसरों की मदद कर सकते हैं तो कीजिए, अगर आप किसी की मदद लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हिचकिचाना नहीं है। आपको ज़रूरत है इसकी और ये आपको करना ही करना है, क्योंकि इससे आपके पाथ क्लियर हो जाएंगे, इससे आपको रास्ता दिखेगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो कई बार हम ना हेल्प लेने से बहुत ज़्यादा गुरेज करते हैं कि हम क्यों
किसी की हेल्प लें, हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा मत सोचना, इन आने वाले दिनों में अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है अपने काम में तो ज़रूर लेना, क्योंकि ये एंजल नंबर ही हेल्पिंग नंबर है और ये एंजल नंबर ये बता रहा है अगर आपने इसको चूज़ किया है कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो वो डेफिनेटली मिल सकती है, डिवाइन हेल्प मिल सकती है। अगर आपके आसपास कोई आपके दोस्त मित्र हैं उनकी हेल्प मिल सकती है तो ज़रूर मदद लेना या ज़रूर किसी की मदद करना जिसको उसकी ज़रूरत है। चलिए टैरो की मदद से देख लेते हैं कि आपको कौन सी मदद मिलने वाली है, क्या होने वाला है। यहाँ पर है द मैजिशियन की एनर्जी, तो ये आने वाले जो दिन हैं इसमें आप काफ़ी ज़्यादा मैजिकल रहने वाले हो, काफ़ी आपका ऑरा अच्छा रहेगा, आप ऐसी क्वालिटीज़ लिए हुए होंगे जिससे आपको लगेगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, सब काम आप कर लेंगे, आप में काफ़ी एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल बहुत रहेगी। पर कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल जो है आप सही जगह पर अगर इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज स्टक हो जाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें देखने में ये लगता है कि बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, पर हमें रास्ता नहीं पता होता सही तरीके से, हमें ये नहीं पता होता कि जाना कहाँ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह पर अपनी एनर्जी को लगाने से ना एनर्जी स्टक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। जब हमें पता है कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, इस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम में भी हाथ डालेंगे, तो कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। क्योंकि एक जगह पर अगर एनर्जी का फ्लो बढ़ाया जाए तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा आता है, पर अगर आप अपनी एनर्जी को बहुत सारी जगह पर लगा दोगे तो उसका आउटपुट जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा, कभी कभी तो आउटपुट आता ही नहीं है। तो इसलिए अपने बचे हुए दिनों को इस तरह से इस्तेमाल करना, इस तरह से उनका यूज़ करना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, ना कि आप स्टक हो जाएं और आपको समझ ही ना आए कि कैसे करना है क्या करना है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग जो हैं वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और जल्दी जल्दी एक्शन लेकर ना अपने काम करते हैं और वहाँ पर उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा टाइम पर स्टक हो जाती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी से एक्शन लेने से भी जब आप सोचते समझते नहीं हो, आपको पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है, बस एनर्जी बहुत है इसलिए काम करना ही करना है ये सोचकर आप करेंगे तो कहीं गलती भी कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है जो भी यही बता रहा है कि जल्दी करने से आपको नुकसान हो सकता है, तो ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पर दो ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, वो है टू ऑफ कप्स द लवर्स और इसके बीच में एक कार्ड है जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है इन बचे हुए दिनों में। जो लोग अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने प्यार को, अपने पार्टनर को, अपने ट्विन को या अपने सोलमेट को, तो आपके लिए खुशखबरी है कि ये पहिया घूमने वाला है बहुत जल्द और आप उनसे मिल पाओगे जिनसे मिलने के लिए बहुत कुछ किया है आपने। मैनिफेस्टेशंस आपकी बहुत जल्दी जल्दी पूरी होने वाली हैं इस बात से रिलेटेड कि अगर आपने प्यार के लिए पार्टनर के लिए कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको अपने सोलमेट से मिलने का मौका मिलेगा या अपने ट्विन से मिलने का मौका मिलेगा। आपने बहुत सारी कोशिशें की हैं, जो कोशिशें अब रंग लाती हुई मुझे दिख रही हैं इन दिनों में जो बचे हुए दिन हैं, तो आपको ना ये कोशिशें और बढ़ा देनी है। क्योंकि जाते जाते अगस्त का महीना अगर ये खुशखबरी आपको देकर जाता है तो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। आप जब अपने सोलमेट से मिल लोगे ना तो एक सेटिस्फेक्शन होगी, एक इनर पीस होगा कि हाँ आपने वो पा लिया है जो आप पाने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे थे, जो पाने के लिए आपने बहुत कोशिशें की हैं। इस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने बहुत सारी कोशिशें कर ली थी, अब कोशिशों का फल मिलने का समय आ गया है। जब आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा, जब आपको ब्लेसिंग मिलेगी, जब आप ऐसी एनर्जी को महसूस करोगे जहां आपने अगर एक्शन लिया तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिलने वाला है। मुझे ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी भी बता रही है, स्टार की एनर्जी भी बता रही है कि ये जो पहिया घूमने वाला है ना, ये आपको रिज़ल्ट ज़रूर देगा। कुछ ना कुछ कार्मिक आपके साथ अच्छा होने वाला है, कुछ ऐसे कर्म जो आपने पिछले जन्मों में किए हैं उसका फल आपको मिलने वाला है। तो ये समय बहुत अच्छा है, चाहे आप स्टक एनर्जी में कुछ लोग हो, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो स्टक एनर्जी में हैं, पर इस स्टक एनर्जी से ना बाहर निकलने का रास्ता भी आपको इसी समय में दिखाई देगा। अगर आप रुके हुए हो, स्टक हो, नहीं समझ में आ रहा कि बढ़ना कैसे है आगे,
तो भी ब्लाइंडली भगवान के ऊपर विश्वास करना, डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्सल एनर्जीज के ऊपर विश्वास करना, आप इसी समय में जो बचे हुए दिन हैं निकल जाओगे सिचुएशन से। कहीं भी अटके हुए हो ना, बस भगवान को याद कर लेना, आप ज़रूर निकल जाओगे। क्योंकि बाकी सभी एनर्जीज ही कुछ ऐसी हैं जो आपको एक्शन लेने के लिए बोल रही हैं कि एक्शन लो, मैं साथ हूँ, मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ हाथ थाम कर तुम आगे बढ़ो, डरो मत। तो इस तरह से ना भगवान की ये ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हुई आपको नज़र आ रही हैं, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है और अपने एक्शन लेकर ही आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं, जो लोग अपने लिए इनर वर्क कर रहे हैं, वो काफी अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी सारी ऐसी एनर्जीज उन्होंने रिसीव कर ली हैं जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। आपने मून एनर्जी एब्जॉर्ब की है, आपने स्टार एनर्जी एब्जॉर्ब की है, आपके आसपास काफ़ी अच्छा ऑरा क्रिएट हो चुका है और आप अब मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हैं। कई लोग ना अंधेरे में ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है, और कुछ लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि मोस्टली आप लोगों में से जिन्होंने भी इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है वो काफ़ी कुछ रिसीव कर चुके हैं और अब समय आ गया है जब इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएंगी। कुछ लोगों ने पार्टनर के लिए मैनिफेस्टेशन की है, कुछ लोगों ने करियर के लिए भी की है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं आप में से। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है ना, ये दोनों तरीके की सेटिस्फैक्शन, करियर को लेकर भी और आपकी लव लाइफ या आपके पार्टनरशिप को लेकर भी। तो यहाँ पर ये जो सेटिस्फैक्शन है ये आपको इनर पीस देगा और ये पूरी होंगी सारी बातें जो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा बहुत ही पॉजिटिवली फील हो रहा है तो मैंने इसीलिए आपको बताया। और इसके साथ साथ जो लोग अपने लिए सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ लव नहीं कर पाते, दूसरों के बारे में सोचते रहना, दूसरों के बारे में करना, दूसरों को शेयर करना, बातें शेयर करना, चीज़ें शेयर करना, दूसरों के बारे में हमेशा ये सोचना कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, तो ये सारी चीज़ें भी अब आने वाले समय में काफ़ी आप इससे सीखोगे, लर्निंग लोगे इससे और आगे बढ़ोगे और सेल्फ लव के बारे में बहुत कुछ सीखोगे। यहाँ पर ना मुझे पार्टनरशिप के साथ साथ, कोऑपरेशन के साथ साथ सेल्फ लव भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और एक बात कहना चाहती हूँ, सेल्फ लव के साथ साथ अगर आप किसी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो बहुत अच्छा टाइम है, आप बिल्कुल कर सकते हो अगस्त के बचे हुए दिनों में। अगर आपने सोचा है कि कुछ करना है, पार्टनरशिप करना है किसी के साथ, तो ये टाइम बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि टू ऑफ कप्स है, लवर्स है, एक्शन में भी आपको टू पेयर में घोड़े दिखाई दे रहे हैं और थ्री ऑफ पेंटिकल है, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ऐसी है जब आपको कोऑपरेशन के साथ पार्टनरशिप में काम करने का मौका मिलेगा और ये आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपके लिए दोनों ही तरीके से मैंने आपकी रीडिंग बता दी है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे स्टेप लेना है, कैसे करना है सब कुछ। तो आपको उसी तरीके से अपनी लाइफ को थोड़ा चैनलाइज करना है और अपनी जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपको जो रिसीव हो रही हैं उनको एक्सेप्ट करना है। तो ये थी पायल नंबर वन आपकी रीडिंग, कि आने वाले जो अगस्त के महीने के दिन हैं वो आपके लिए कैसे जाएंगे, क्या आपको मिल सकता है, क्या आप गेन करोगे, रिसीव करोगे और क्या है ऐसा जो आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ पायल नंबर टू आपकी। अगर आपने 555 को चूज़ किया है तो ये नंबर आपके लिए क्या कहता है, ये नंबर है मूवमेंट का, ये नंबर है फ्रीडम का। तो नंबर अगर आपको दिख रहा है बार बार, 555 दिख रहा है बार बार, तो आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, मूवमेंट आने वाला है और कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। आपको इस मूवमेंट को ना बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि बार बार नंबर दिखाई देता है पर हम बदलना नहीं चाहते। ये मूवमेंट ज़रूरी नहीं है कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, ये मूवमेंट हो सकता है कि आपके थॉट प्रोसेस का मूवमेंट हो, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने वाला हो, आपके थॉट्स बदलने वाले हों। जो आप पहले सोच रहे थे वो आप बिल्कुल भी ना रहें और जो आपके मन में चल रहा था हो सकता है वहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए।
तो इसलिए ये नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये नंबर आपको ऐसे ही दिख रहे हैं। अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं तो ये ज़रूर आपकी लाइफ में बदलाव लाने का सूचक है। ये बताना चाहते हैं आपको कि कुछ बदलने वाला है, कुछ मूवमेंट्स आने वाले हैं, कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो 555 अगर आपको दिखता है या आपने चूज़ किया है तो आपने अपनी डेस्टिनी में कुछ मूवमेंट को चूज़ किया है, कुछ फ्रीडम को चूज़ किया है। आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी ना किसी बात से अपने आप को बदलाव में देखना चाहते हो, कुछ बदलना चाहते हो ज़िंदगी में, तो आपको ये जो वक्त है, अगस्त के बाकी दिन हैं, ये आपके बदलाव में आपकी मदद कर पाएंगे। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि अपने थॉट प्रोसेस को आप बदलें, अपने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, या कोई भी ऐसा विचार जो आपके मन में ना बहुत देर से चल रहा है तो आप इसको बदलना चाहते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हैबिट्स को बदलना चाहते हैं, अपनी जो उनकी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो बैड हैबिट्स हैं उनको बदलना चाहते हैं। तो ये 555 ये बताता है कि इस टाइम पर वो मूवमेंट आ गया है, वो डिवाइन टाइम आ गया है, जब आप मूवमेंट कर सकते हो अपने विचारों में, अपने थॉट प्रोसेस में, तो आपको कोशिश करना चाहिए। तो यही मैसेजेस होते हैं जो चैनल्स के थ्रू हमें मिलते हैं और हमको ये लगता है कि ये क्यों दिख रहा है ना, हम ये जान ही नहीं पाते कि ये दिख रहा है तो क्या मैसेज दे रहा है, और मैसेज निकल जाते हैं हमारी ज़िंदगी से क्योंकि हम उनको रिसीव नहीं कर पाते। तो अगर आपको भी इस तरह के मैसेजेस दिखते हैं तो आप रिसीव कीजिए उन एनर्जीज़ को, बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश कीजिए। तो अब मैं बात करूंगी टैरो की मदद से कि आपके लिए ये 555 क्यों दिख रहा है, क्या हो सकता है आपके लिए, जो बचे हुए दिन हैं उनमें क्या क्या ऐसी एनर्जीज हैं जो आपकी मदद करेंगी, आप रिसीव करोगे और क्या बदलोगे। तो चलिए जानते हैं, टैरो की मदद से भी देख लेते हैं। यहाँ पर है फर्स्ट कार्ड द एम्प्रेस और इसके साथ साथ है हाई प्रिस्टस। दोनों ही एनर्जीज बहुत 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 हाई फ्रिक्वेंसी की हैं और ये दोनों एनर्जीज बता रही हैं कि कोई इम्पैक्ट ऐसा आपके ऊपर रहने वाला है जो आपको रास्ता दिखाएगा, और वो फीमेल एनर्जी होगी या कोई फेमिनिन फिगर होगी जो आपके आसपास है या आपके घर में है, वो आपको इम्पैक्ट करेगी बहुत ज़्यादा और आप उसके इन्फ्लुएंस में रहोगे। तो ये मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी से अटैच हैं, किसी फीमेल से अटैच हैं, मेल लोगों की बात कर रही हूँ, तो वो आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन दिनों में जो बचे हुए दिन हैं, क्योंकि यहाँ पर ना जितनी मेल एनर्जीज हैं उतनी ही फीमेल एनर्जीज हैं, तो काफ़ी बैलेंस्ड ये रीडिंग रहने वाली है। यहाँ पर कुछ मेल एनर्जीज, कुछ फीमेल एनर्जीज और साथ में एक डेविल भी है। तो मैं आपको डिटेल करती हूँ कि ये क्या कह रहा है, अब ये क्यों आया है यहाँ पर। तो फीमेल एनर्जी आपके आसपास है कोई ऐसी जो आप पर इम्पैक्ट डालेगी, आप पर जिनका रोब भी रह सकता है, जिनके साथ आप इंजॉय भी कर सकते हो, जिनसे कुछ सीख भी सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर ही ऐसा होता है जो हमारे लिए ना सारे ही हमें एक्सपीरियंस दे जाता है, कुछ लर्निंग दे जाता है, कुछ अच्छी चीज़ें सिखा देता है, कुछ बुरी भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ किसी में अच्छी ही होती है, बुरी भी चीज़ें होती हैं जो हम किसी के साथ रहकर सीखते हैं। तो ऐसी कंपनी रहेगी जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को इंजॉय भी करोगे और बहुत कुछ सीखोगे भी। एक बात मैं बता दूं, जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं उनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो हमेशा अच्छी हों ऐसा ज़रूरी नहीं होता, कई बार रिस्क बहुत बड़े होते हैं। आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ अगर रहना है, एंजॉय करना है, उनके साथ रहकर कुछ सीखना है, कुछ आपने देना है, कुछ रिसीव करना है, तो आपको बहुत केयरफुली ही करना पड़ेगा। इन सारी एनर्जीज के साथ ना कुछ रिस्क भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथली चलेगा, कई बार आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी लिए हुए होंगे और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तो अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो ज़रूर चलने वाले हैं जो अगस्त के बाकी के दिन हैं उनमें। आपके रिश्तों को लेकर बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार आप ऐसा महसूस करोगे कि आप हाई फ्रिक्वेंसी में हो और कई बार आप ऐसा महसूस करोगे कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप बहुत लो फ्रिक्वेंसी में हो। तो ये जो मूवमेंट है इसमें आपको बैलेंस करना है, यही मैनेजमेंट है, यही तरीका है लाइफ को बैलेंस करने का। मुझे लगता है कि बहुत सी जगलिंग बहुत सारे लोग आप में से करेंगे, क्योंकि रिश्ते को भी मेंटेन करना चाहेंगे, काम को भी मेंटेन करना चाहेंगे और इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने में आपकी बहुत सारी एनर्जी जाने वाली है। आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको लगेगा कि जो अटैचमेंट आप फील कर रहे हो वो सामने वाला फील क्यों नहीं कर रहा, जो अटैचमेंट आपको दिख रही है वो सामने वाले के समझ में इतना क्यों नहीं आ रही है जितना आपको आ रही है।
तो आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा जगलिंग वाली रहने वाली है, जहाँ आप मेंटेन नहीं कर पाओगे चीज़ों को, और मुझे लगता है काफ़ी जद्दोजहद चलेगा रिश्तों को लेकर। ख़ास तौर पर आप ऐसा महसूस करोगे कि इमोशंस भी नहीं संभल रहे हैं और पैसा भी नहीं संभल रहा है, क्योंकि करियर में भी उतार चढ़ाव आएंगे। हालांकि यहाँ पर किंग ऑफ कप भी है और किंग ऑफ पेंटिकल भी है, तो कोशिश करोगे तो संभाल भी लोगे। ऐसा नहीं है कि संभलेंगी नहीं चीज़ें, कुछ कोशिश आपके घर परिवार की तरफ से भी की जा सकती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर आप बच्चे हैं, यंग हैं, तो आपके पेरेंट्स आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि मूवमेंट बहुत है और चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदलाव लेकर आपको दिखेंगी, और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। रिलेशनशिप में जब ऐसा होता है तो कई बार हम संभल नहीं पाते, तो ये रिस्की होगा। जो आप बच्चे हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये रिस्की हो सकता है कि आप कैसे संभालेंगे खुद को, इसके लिए आपको बड़ों की मदद ले लेनी चाहिए। अपने रिश्ते के बारे में आप बात कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, हो सकता है थोड़ा ब्लंटली वो आपको समझाएं, हो सकता है वो आपको कुछ कई बार बोल्डली समझाएं, बताएं ऐसी बातें कि क्या सही है क्या गलत है, तो सुन लेना, क्योंकि उनका ही इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर अगर रहेगा, उनकी छत्र छाया में अगर आप रहोगे तो डिसीजंस गलत नहीं लोगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उनसे बात करें। अगर आप में से बहुत सारे लोग ना मुझे अब कमेंट करेंगे कि हम बात नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा उल्टा ही कहते हैं, या कुछ ऐसी बातें जो लोग अक्सर करते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, तो देखिए जो भी है आपको पता है आपके पेरेंट्स हैं, पर अगर आप उनके छत्र छाया में रहेंगे, मैं यही कहूँगी आपको बार बार, तो मुझे लगता है यहाँ पर इस रीडिंग में जो मुझे दिख रहा है कि आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को अपने डिसीजन लेने में उनका इम्पॉर्टेंट रोल है, पेरेंट्स का इम्पॉर्टेंट रोल है, उनको साथ रखें, और तभी अपने लाइफ के जो बड़े डिसीजन आप इन दिनों में लेना चाहते हो तभी लें। यहाँ पर तीन तीन किंग मुझे नज़र आ रहे हैं, तीन तीन किंग, क्वीन भी है, एम्प्रेस भी है, हाई प्रिस्टस भी है, तो ये सारी एनर्जीज़ ना काफ़ी मैच्योर एनर्जीज़ हैं, और अगर आप मैच्योर लोगों को अपने साथ लेकर चलोगे तो ज़िंदगी के रिस्क कम हो जाएंगे और पाथ आसानी से मिलने लगेगा। आपको पेशेंस रखना है थोड़ा सा, पचकानी हरकतें करने से बचें, और कहीं ना कहीं एडवाइस लें दूसरों की, अपने बड़ों की, अपने ऐसे लोगों की जो आपके मेंटोर हैं, गुरु हैं, या आप अपनी इंट्यूशन से भी काम ले सकते हो। पर इसके लिए आपको पहले खुद को तैयार करना है कि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उससे एडवाइस ले सकें। बहुत सारे लोग ना ऐसा कहेंगे कि आपने तो कहा था इंट्यूशन से काम लेना, तो मेरी इंट्यूशन ने तो मुझे ये कहा, पर आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग भी तो होनी चाहिए कि आप सही फैसला लो। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं पर वो सही नहीं होता, तो ज़रूरी है कि पहले इंट्यूशन पे वर्क करना, उसके बाद उससे पूछना कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग नहीं है तो पेरेंट्स से पूछ लो, बड़ों से पूछ लो कि क्या आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और एनर्जीज भी मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। यहाँ पर है फूल कार्ड, जो बताता है कि जितना सरेंडर्ड रहोगे आप एनर्जीज के साथ, डिवाइन के साथ और अपने बड़ों के साथ, उतना ही ज़्यादा अच्छे डिसीजंस आपके लिए आप ले पाओगे, और उतना ही ज़्यादा आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जो हमारे घर में लोग होते हैं ना, जो हमारे बड़े होते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि यहाँ पर रिस्क हो सकता है, यहाँ पर खाई है, मत जाना आगे, तो वो जो आपके लिए एडवाइस है ना वो बहुत काम आने वाली है। तो ये अटैचमेंट जो आपको अपने किसी पार्टनर के साथ महसूस हो रही है, आपको सिर्फ महसूस हो रही है या वो भी आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं, इस पे आपको वर्क करना है। आपको इस अटैचमेंट को इतना ज़्यादा फील नहीं करना कि ये ट्रैप बन जाए और उस ट्रैप से आप बाहर ना निकल पाएं। तो इसलिए बोल रही हूँ सिंगल लोगों के लिए ख़ास तौर पर, कई बार आप लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जो आपको लगता है कि बहुत स्ट्रांग होगा पर वो अब्यूज़िव हो जाता है। तो रिस्की हैं सारी चीज़ें। आने वाला जो समय है, अगस्त के बाकी बचे हुए दिन हैं, स्टेप ध्यान से लेना है आपको। कोई भी काम करो बहुत ध्यान से स्टेप लें, ख़ास तौर पर रिश्तों के लिए। हाँ, आपके करियर के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नज़र आ रही हैं कि आप जो करोगे वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
इसलिए अगस्त के इन बचे हुए दिनों में अपने इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए सोचना ज़रूर, पर बहुत ध्यान से लेना, टाइम मैनेज करके चलना, चीज़ों को मैनेज करके चलना। एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जो मिक्स हैं, कभी आपको लगेगा कि आप बिल्कुल सही हैं, कभी आपको लगेगा कि नहीं नहीं गलत हो जाएगा, रिस्की है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करना। तो ये चीज़ें ना चलती रहेंगी बार बार, कभी आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन, तो अपनी एनर्जीज़ को संभाल के पेशेंस के साथ चलना है। तो ये है एडवाइस आपके लिए जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ भी ऐसा हो आप पहले ही इसके लिए संभल जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी एनर्जीज जो डेविल की है, हाई प्रिस्टस की है, एम्प्रेस की है, ये सारी एनर्जीज ये भी बता रही हैं कि आप कुछ इन्वॉल्व रहोगे ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आप पार्टीज़ करोगे, या आप घूमने जाना चाहोगे, या मटेरियल्स की तरफ आपका बहुत ध्यान रहेगा, खर्चा करने की तरफ, एक्सपेंसेस की तरफ बहुत ध्यान रहेगा। तो उन बच्चों से मैं ये कहना चाहती हूँ, उन यंगस्टर से ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लग्जरीज में जाने की बजाय बहुत केयरफुली आगे बढ़ना है। आपको पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि हाई प्रिस्टस की एनर्जी काफ़ी अच्छी फ्रिक्वेंसी लिए हुए है। तो जितना पढ़ोगे, जितना अच्छे से अपने काम करोगे, उतना ही ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आएंगे। अभी थोड़े समय के लिए आप रुकें और अपनी लग्जरी को थोड़ा सा त्यागें और अच्छे डिसीजन लेने की कोशिश करें, पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश करें। तो यही एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ज़्यादातर केयरफुली आपको आगे बढ़ने के लिए ही कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और उसी को ही आपको फॉलो करना है। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ अगली किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। नेक्स्ट मंथ के लिए हम देखेंगे क्या कुछ होगा, कैसे होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए Stay blessed, stay positive. Thank you.